नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनोद। स्वागत है आप सभी का विनोवेटिव चैनल में। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही देखा कि कुछ बैंक अभी भी 9.5% सालाना की ब्याज दे रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको वो सब चीजों के बारे में बताएंगे, क्योंकि बैंक में जो भी आप पैसा जमा करते हैं उस पर ब्याज दिन ब दिन घटता जा रहा है। चाहे वो SBI हो, चाहे पंजाब नेशनल बैंक हो, ICICI हो या HDFC हो, ये सब के सब 6-7% से ज़्यादा ब्याज नहीं दे रहे हैं। SBI तो इवन 3.5% ब्याज दे रही है सेविंग अकाउंट पर। तो लेकिन इस दौर में आज भी कुछ ऐसे बैंक हैं जो सेविंग अकाउंट पर और FD पर 9.5% की दर से ब्याज दे रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 से 4 बैंकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो 9.5% तक आपको ब्याज दे रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि ये आपके काम की खबर है। जी हाँ दोस्तों, आपके काम की खबर है। इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर दबाएं। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यह बैंक सेविंग अकाउंट में 1,00,000 रुपए तक रखने पर 6% ब्याज दे रही है। 1,00,000 से ज्यादा डिपॉजिट करने पर 9% तक का ब्याज भी दे रही है। आपको स्क्रीन पर इसका चार्ट भी दिख रहा होगा, आप इस बैंक में जाकर भी और सारी जानकारी ले सकते हैं। 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पर यह बैंक 8% की दर से ब्याज दर दे रही है। सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% है। इसके अलावा 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम तक के लिए यह 9% का ब्याज देती है, और सीनियर सिटीजन के लिए 9.5% भी देती है। इसके अलावा हम आपको एक और बैंक के बारे में बता रहे हैं, जो है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह बैंक 1,00,000 रुपये तक के सेविंग बैंक डिपॉजिट पर 4% की दर से ब्याज दे रही है। 1 से 10 लाख के बीच में 5.5% की दर से दे रही है। इसके अलावा 10,00,000 रुपये से ज़्यादा अगर आप खाते में जमा करते हैं तो आपको 7% के हिसाब से ब्याज मिलता है। FD पर यह 9% की दर से ब्याज दे रही है। सीनियर सिटीजन के लिए यह 9.5% के हिसाब से ब्याज दे रही है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। यह बैंक सेविंग बैंक अकाउंट पर 3.5% से लेकर 8.35% के से ब्याज देती है। यह बैंक खाते में 7 से 28 दिन तक पैसा रखने पर 3.5% ब्याज देती है। सीनियर सिटीजन के लिए 4% देती है। 91 से 120 दिन तक रखने पर 5% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.5%। 271 दिन से 1 साल रखने पर 7.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 8% दे रही है। 1 साल से ज़्यादा अगर आप रखेंगे और 2 साल से कम रखेंगे तो 8.5% और सीनियर सिटीजन के लिए 8.5% और नॉर्मल लोगों के लिए 8%। इसके अलावा एक और जो बैंक है वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक 7 दिन से लेकर 14 दिन तक पैसा जमा करने पर 3.5% ब्याज दे रही है। 15 दिन से 3 महीने तक यह 4% दे रही है। 3 महीने से 6 महीने तक ये 4.5% दे रही है। और 1 साल से लेकर 2 साल तक अगर आपका पैसा रखते हैं तो 7.25% के हिसाब से आपको ब्याज दे रही है। तो दोस्तों प्राइवेट कंपनी की बहुत सारी ऐसी बैंक हैं जो कि 9-9.5% के हिसाब से ब्याज दे रही है। अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक की बात करें तो 3.5-4%, अगर FD की बात करें तो वो 6-6.5-7 इससे ज़्यादा नहीं दे रही हैं। तो दोस्तों पैसा आपका है, डिसीजन आपको लेना है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।